पेश है झलकियां एक सिख रेजिमेंट के सुबेदार जोगिंदर सिंह की, जो 1962 में भारत की सरहदों की रक्षा में चीन के फौज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने अकेले ही 50 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया और इंडियन आर्म फोर्सेस के भीतर एक युद्ध नायक बन गए। नमस्कार, मैं सौरभ मंडल, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, स्वागत करता हूं आपको एक और नए एपिसोड। September 1962 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने थाला रेंज के दक्षिण से चीनी सैनिकों को हटाने का फैसला किया। इस निर्णय का समर्थन नेहरू ने भी किया, जो उस समय कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे लंदन में। इसके बाद 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें एक सिख शामिल था, नामकाचू में जाने का आदेश दिया गया, जिसे सैन्य रूप से अस्वस्थ और चीनियों के लिए एक लाभप्रद मैदान माना जाता था। इस कदम की भारतीय मीडिया ने कड़ी आलोचना की, जिसमें भारत के सैन्य आक्रामक क्षमता का तथ्य देते हुए इसे सेंसेशनल हेडलाइन के साथ प्रचारित किया। इस घटनाक्रम के अवगत चीनियों ने नामकाचू में बिना तैयारी वाले भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने हमले का विरोध किया, लेकिन अपर्याप्त गोला बारूद और कमजोर संचार लाइन के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। हमले के तुरंत बाद चीनी तावांग की ओर आगे बढ़े। बीच में उन्हें बुमला दर्रा पर एक भारतीय चौकी का सामना करना पड़ा, जिस पर एक सिख के नेतृत्व में 20 लोगों की एक पलटन थी और यह पोस्ट सिंह के अधीन था। चीनियों ने पोस्ट पर 3 लहरों में हमला किया, जिसमें से प्रत्येक में 200 लोग शामिल थे। हालांकि शुरुआती 2 हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया था, लेकिन उस समय तक पलटन की मूल संख्या आधी हो चुकी थी। सिंह भी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने वहां से निकलने से इनकार कर दिया। जल्दी ही गोला बारूद खत्म हो गया और जो बचे थे उनके पास केवल संगीन ही बची थी। इसके बाद सिख सैनिक वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा लगाते हुए चीनियों की ओर आगे बढ़े। यह देखते ही चीनी रेखाएं तितर बितर हो गई और संगीनों से हमला शुरू कर दिया। अपनी भारी संख्या और बेहतरीन हथियारों के कारण चीनी सिंह और उनके शेष सैनिकों के अंतिम हमले का सामना करने में सक्षम थे। इससे पहले कि सिंह पर चीनियों का कब्जा होता, उन्होंने अकेले ही अपने संगीन से 56 चीनी सैनिकों को मार डाला। बाद में उन्हें चीनियों ने अपने कब्जे में कर लिया और अंततः उनके चोट के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुबेदार जोगेंद्र सिंह ने कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया और सर्वोच्च क्रम के नेतृत्व और बहादुरी का प्रतीक किया। चीनियों ने 17 मई 1963 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां बटालियन को भेज दी। बाद में कलेश को मेरठ के सिख रेजिमेंटल सेंटर में लाया गया और अंततः उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। जोगेंद्र सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब, ब्रिटिश भारत के मोगा जिले के महाला कलान में हुआ था। उनका बचपन उसी गांव में बीता। उनके पिता शेर सिंह सहानन एक कृषक सैनी सिख परिवार से थे, जो होशियारपुर जिले के मुनक कलान गांव से मोगा जिले के महाला कलान में स्थानांतरित हो गए। उनकी जोगेंद्र सिंह की माता बीवी कृष्ण कौर भेला थी। जोगेंद्र सिंह ने बीवी गुरदयाल कौर बंगा से शादी की, जो कोठकपुरा के पास कोठाया रारा सिंह गांव के एक सैन्य परिवार से थी। वह नाथू आला गांव के प्राइमरी स्कूल में गए और दरोली गांव के मिडिल स्कूल में गए। उन्होंने यह सोचकर सेना में शामिल होने का फैसला किया कि उन्हें पहचान और उद्देश्य मिलेगा। ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर सिख को 28 सितंबर 1936 को सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में तैनात किया गया था। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने शिक्षा में अपनी रुचि की पहचान की और जल्दी ही आर्मी एडुकेशन एग्जाम पास कर लिया। बाद में उन्हें यूनिट एडुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा मोर्चे पर और 1947-48 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान श्रीनगर में सेवा की।
1980 के दशक में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पीवीसी प्राप्तकर्ताओं के सम्मान में उनके 15 कच्चे तेल के टैंकरों का नाम रखा। टैंकर एमटी सुबेदार जोगेंद्र सिंह पीवीसी 1984 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था और चरणबद्ध होने से पहले 25 वर्षों तक सेवा प्रदान की थी। सिंह के सम्मान में मोगा के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास एक स्मारक प्रतिमा बनाई गई है और भारतीय सेना द्वारा आईबी रिज पर एक स्मारक बनाया गया है। बायोपिक सुबेदार जोगेंद्र सिंह भारत चीन युद्ध के दौरान सिंह के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। मुख्य भूमिका पंजाबी अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल ने निभाया था।